सन रामर लोक गरु वंदे सुगतं गति विमुक्तं करुणा शीतल हृदयं पय्यापजुत विहत मोहतमं सन रामर लोक गरु वंदे सुगतं गति विमुक्तं। तो आज हम दमापद की गाथा नंबर 66 लेंगे। इसकी कथा इस प्रकार है कि भगवान वेणुवन में, राजगृह के वेणुवन में विहार कर रहे थे और जनता को ऐसा उपदेश दे रहे थे। तब उसी राजगृह में एक सुप्रबुद्ध नाम का एक कुष्ठी रहता था। तब उसने वो भीड़ देखा तो सोचा यहाँ कोई चीज खाने पीने को मिल जाएगी, लेकिन जब वो आया तो देखा तो यहाँ खाने पीने के लिए तो कोई चीज मिल नहीं रही थी, भगवान उपदेश दे रहे थे। तो वो पीछे जाके चुपचाप बैठ गया और भगवान की वाणी सुनने लगा। भगवान की वाणी ध्यान से सुना और सुनते सुनते वह श्रोतापन्न हो गया। जब वो श्रोतापन्न हुआ तो वह अपनी सफलता बतलाने के लिए सोच रहा था कि मैं भगवान के पास जाऊं, निकट जाऊं, और वो भगवान की तरफ आगे बढ़ रहा था। जब आगे बढ़ रहा था तब आकाश में देवराज शक्र आया और कहता है सुप्रबुद्ध कुष्ठी को, अरे सुप्रबुद्ध, तुम सबसे दीन हो, हीन हो, दया के पात्र हो, कृपण हो, दरिद्र हो। मैं तुम्हें अनगिनत असीमित धन दूंगा, तुम इतना भर बोल दो कि बुद्ध बुद्ध नहीं है, इनका धम्म धम्म नहीं है, इनका संघ संघ नहीं है, इतना बोल दो। तो वो सुप्रबुद्धि कुष्ठी बोलता है, तुम कौन हो? वो कहता है, मैं देवराज शक्र हूं। तो सुप्रबुद्धि कुष्ठी बोलता है, अरे तुम अंधे हो, मूर्ख हो, तुमको ऐसा मुझे कहलाने के लिए नहीं बतलाना चाहिए था, और तुम कह रहे हो कि मैं दीन हूं, हीन हूं, गरीब हूं, कृपण हूं, लेकिन वस्तुतः मैं दीन, हीन, गरीब और कृपण हुई ही नहीं। मैं तो बड़ा सुखजीवी हूं और मेरे पास तो अनगिनत धन है, अगिनत धन है। तो फिर वो गाथा में बोलता है कौन सा धन है उसके पास। श्रद्धा धनं शील धनं हीरी औत्तप्यं धनं सुत धनं च चागोच पय्यावो सत्तमं धनं श्रद्धा धनं शील धनं हीरी औत्तप्यं धनं सुत धनं च चागोच पय्यावे सत्तमं धनं यस्येते धनाऽथी इथिया पुरिशस्वा अदलिदोपीतं आहु अमोघं तस्य जीवितं यस्येते धनाऽथी इथिया पुरिशस्वा अदलिदोतीतं आहु अमोघं तस्य जीवितं।
श्रद्धा धनं, यानी वो कहता है मेरे पास श्रद्धा का धन है, शीलं धनं मेरे पास शील है, हीरी औत्तप्पियं धनं, हीरी पाप भीरुता, री पाप भीरुता, ओत्तप्पियं धनं, सूत धनंच चागोच, मेरे पास श्रुत धन है, चागो यानी त्याग है, पैया वे सत्तमं धनं, और प्रज्ञा है। तो मेरे पास इतना बड़ा धन है, श्रद्धा है, शील है, हिरी है, पाप भीरुता है, श्रुत है, त्याग है, पैया है, इस तरह मेरे पास ये सात धन है। यस एते धना अथी, जिस किसी पुरुष के पास ये इतना धन हो वो दरिद्र कैसे हो सकता है। इथिया पुरुषस्व, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, अदलिदो ती तंग आऊ, आजकल दरिद्र शब्द है तो पाली भाषा में दलिद्धो बोलते थे, अदलिदो ती तंग आऊ अमोघं तस्स जीवितं। तो जब ये मेरे पास सात धन है तो मैं दरिद्र कैसे हो सकता हूं, मेरा तो जीवन सफल है। तो इस तरह ये गाथा कही। फिर देवराज शक्र भगवान के पास जाके कहता है, भंते मैंने उसको सुप्रबुद्ध कुष्ठी को धन का प्रलोभन दिया लेकिन फिर भी वो स्वीकार नहीं करता। तो भगवान कहते हैं कि वो उसके लिए अशक्य ही है कि वो बोल सके कि बुद्ध बुद्ध नहीं है, धम्म धम्म नहीं है और संघ संघ नहीं है, ये उसके लिए बोलना असंभव है। फिर सुप्रबुद्ध कुष्ठी भगवान के पास आता है, अपनी सफलता बतलाता है। पहले तो आता है, भगवान को प्रणाम करता है, प्रदक्षिणा करता है और अपनी सफलता बतलाता है। भगवान प्रसन्न होते हैं, फिर वो वापस चला जाता है। वापस जब जाता है तो रास्ते में एक गौ मिलती है और उसको सींग से मारती है और उसका देहांत हो जाता है। देहांत होने के पश्चात वो वस्तुतः गौ में एक यक्षिणी आ जाती है, यक्षिणी वो गौ में आ जाती है और वो सुप्रबुद्ध कुष्ठी को मारती है और फिर वो मर जाता है। वो वस्तुतः यक्षिणी ऐसी रहती है कि पूर्व जन्म में ये चार मित्र होते हैं, पुक्क साथी कुलपुत्र बाह्य दारुचीरिय ताम्रदृष्टिक चोर और ये सुप्रबुद्धि, ये चारों को कई जन्मों से वो यक्षिणी मारते रहती है। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, एक बार जब ये चारों मित्र थे तब एक उन्होंने वेश्या को ले लिया था और दिन भर अभिरमण करने के पश्चात भी इन्होंने सोचा कि अब हमको 1,000 कारशापन देने पड़ेंगे, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इसको अब नहीं देते तो इसको हम खत्म कर देंगे, हमको देखने वाला कोई नहीं है। तो तब वो सोचती है वेश्या, अरे कितने निर्लज्ज लोग हैं कि दिन भर अभिरमण करने के पश्चात भी अब ये मेरे को मार रहे हैं। तो वो संकल्प लेती है कि मैं भी इसी तरह इन चारों को मार सकूं, और वो यक्षिणी के रूप में पैदा होती है। तो ऐसा वो संकल्प लेने के कारण वो यक्षिणी बन जाती है और कई जन्मों तक इन चारों को मारती है। उसके बाद बहुत सारे भिक्षु एकत्रित हुए और उन्होंने देखा कि ये सुप्रबुद्धि कुष्ठी मर गया है, तो भिक्षुओं ने शास्ता को सूचना दी, बंते वो सुप्रबुद्ध कुष्ठी मर गया है, अब वो कहाँ जन्म लिया होगा। दूसरा भिक्षु कहता है, भंते ये कोढ़ी के रूप में कुष्ठी के रूप में क्यों पैदा हुआ है। फिर भगवान बताते हैं, भिक्षु ये अभी सुप्रबुद्ध कुष्ठी तावंतिस देवलोक में उत्पन्न हो गया है लेकिन पूर्व जन्म में एक तगर शिखी नाम के प्रत्येक बुद्ध आए हुए थे और उसने ऐसा किया था कि वो तगर शिखी प्रत्येक बुद्ध के ऊपर थूक दिया था और अपना दाहिना कंधे से उनका दाहिने बाजू को ऐसा ढकेल दिया था और उनको अपमानित किया था। उस कर्म के कारण वो नरक में
पकता रहा और उसके पश्चात ये कोड़ी के रूप में उत्पन्न हुआ। और फिर भगवान कहते हैं कि कर्म ऐसा रहता है कि वो कभी पीछा नहीं छोड़ता, और फिर प्राणी ये अपने दुष्म कर्मों के लिए अपने पाप एकत्र कर उनके परिणाम स्वरूप दुख पल भोगते हैं। और फिर ये गाथा बोली, चरंती बाला दुमेधा अमिते नेव अतना करुंता पाप कंकमं यं होती कटुकं फलं। चरंती बाला दुमेधा अमिते नेव अतना करुंता पाप कंकमं यं होती कटुकं फलं। चरंती बाला दुमेधा, यानी बाला यानी मूर्ख, दुमेधा यानी जो दुष्ट है, उसमें मेधा नहीं है। तो वैसा व्यक्ति मनुष्य स्वयं ही अपने शत्रु बने हुए घूमते रहते हैं। अमित्ते नेव अत्तना, स्वयं अत्तना स्वयं अमित्ते स्वयं अपने शत्रु बनकर घूमते फिरते रहते हैं। करुंता पापकं कम्मं, पापमय कर्म करते हैं। यंग होती कटुकं फलं, तो जिसका कटु फल मिलना निश्चित है। ये गाथा कही और वहां जितने भिक्षु थे वो सारे के सारे फिर श्रोतापन्न हुए। तो इस तरह ये 66 नंबर की गाथा थी। अब हम दूसरी गाथा लेंगे, ये श्रावस्ती की ही राजग्रह की ही बात है। राजग्रह में सुमन नाम का माली राजा बिंबिसार को रोज एक टोकरी चमेली के फूल पहुंचा दिया करता था। और जब वो चमेली के फूल पहुंचाता राजा को देता था, तो राजा उसे 8 कारशापन देता, 8 सोने के सिक्के देता। तो एक दिन वो वैसा ही राजा के तरफ जा रहा था और भगवान भिक्षु संघ के साथ भिक्षाटन के लिए नगर में प्रविष्ट हो गए। जब भिक्षाटन के लिए प्रविष्ट हुए तो भगवान ने अपने शरीर से 6 प्रकार की रश्मियां बिखेर दी और वो एक एक योजन तक फैल गई। जब ये सुमन माली जब भगवान की ऐसी शोभाश्री देखता है तो वो बड़ा प्रीति प्रमोद से प्रफुल्लित हो जाता है और कहता है, तो शास्ता तो सामने है, मैं भगवान की कैसे पूजा कर सकता हूँ, मेरे पास तो कोई चीज है ही नहीं। लेकिन वो सोचता है, मेरे पास ये 8 मुट्ठी फूल है, चमेली के फूल हैं, मैं इन फूलों से भगवान की पूजा करूँगा, ऐसा वो सोचता है। लेकिन दूसरे फिर उसका मन ये सोचता है, अरे ये तो फूल राजा के लिए है, यदि मैं राजा को ये फूल नहीं दूंगा तो हो सकता है राजा मुझे बंदी बना ले, दंड दे या देश से निकाल दे, ऐसा हो भी सकता है। लेकिन पुनः वो सुमन माली सोचता है, चाहे राजा मुझे दंड दे, चाहे बंदी बना ले, चाहे देश से निकाल दे, मैं अगर फूल दूंगा तो मुझे केवल एक जीवन भर काम आ जाएगा, लेकिन मैं भगवान की यदि पूजा करूंगा तो मैं लाखों कोटि कल्प तक मेरे हित और सुख के लिए होगा, तो क्यों न मैं सारा अपना ये जीवन भगवान के लिए अर्पित करूं, ऐसा वो संकल्प करता है और भगवान की पूजा करता है। पहले 1-2 मुट्ठी लेता है और भगवान के शरीर पर फेंकता है तो वो सिर पर रख जाने चिपक जाते हैं। फिर दूसरी मुट्ठी से फेंकता है तो चीवर पे लटक जाते हैं।
और इसी तरह 8 मुट्ठी फूलों से भगवान ने उसकी पूजा की। ऐसा लग रहा था मानो भगवान के ऊपर चांदी के चीवर हो गया है, ऐसा भगवान नजर आ रहे थे। फिर भगवान तो भिक्षाटन के लिए यात्रा कर ही रहे थे, वहां पर 9 करोड़ जनता ऐसा भगवान के भिक्षाटन के लिए तैयार हो गई थी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो भगवान को दान करने के हेतु अपने घर के सामने खड़ा न हो। और फिर भगवान के आगे आगे हजारों नगरवासी ऐसे वस्त्रों को उछाल उछाल कर हर्षनाद कर रहे थे, सिंह गर्जना कर रहे थे, और ये सुमन माली भी भगवान की पूजा करके उनके उनके आगे जा रहा था। तो बहुत दूर तक जाने के पश्चात उसको बड़ी प्रसन्नता हुई, प्रीति प्रमोद उत्पन्न हुआ, भगवान की 6 रश्मियां बिखर गई थी। और फिर उसके पश्चात वो सुमन माली खाली टोकरी लेते हुए अपने घर पहुंच जाता है। अपने जब घर पहुंच जाता है तो उसकी पत्नी पूछती है फूल कहाँ हैं, तो वो बता देता है कि मैंने आज तो शास्ता की पूजा की। तो वो उसकी पत्नी बड़ी नाराज होती है और राजा के पास आके कहती है, महाराज ये मैंने और हमने कुछ नहीं किया है, उसी का दोष है कि उसने आज शास्ता की पूजा की और आपके लिए फूल नहीं पहुंचाए, तो कहीं उसको आप दंड न दे। राजा तो भगवान का शिष्य ही था, वो सोचता है ये महिला तो मूर्ख है, यानी भगवान की पूजा होने के बावजूद भी उसके ऊपर न श्रद्धा आई न कोई चीज नहीं आया। तो वो कहता है यदि यही बात है तो मैं देख लूंगा, और फिर वो पत्नी चली जाती है। इसके पश्चात भगवान राजमहल में आते हैं, तो राजा ने राजमहल में बैठने की व्यवस्था की थी, लेकिन भगवान कहते हैं, उन्होंने कहा कि हम आंगन में बैठेंगे। फिर आंगन में तुरंत मंडप लगाया गया और भगवान वहां विराजे भिक्षु संघ सहित। भगवान की यह इच्छा थी यदि मैं राजमहल जाता तो केवल कुछ ही लोग मुझे देख पाते, इसलिए आंगन में खुले में बैठना पसंद किया ताकि जो जनता थी वो भगवान का दर्शन कर सके, इसलिए भगवान ने आंगन में ही बैठना पसंद किया। राजा ने बहुत ही अपने स्वयं हाथों से भोजन परोसा भिक्षु संघों को और भगवान को। उसके पश्चात भोजन उपरांत भगवान ने अनुमोदन किया और विहार में आ गए। फिर राजा ने सुमन माली को बुलाया और कहते हैं, क्यों तुमने जो फूल लाए थे उसका क्या किया? तो उसने कहा, हाँ देव, मैंने तो शास्ता की पूजा की, आप जो चाहे सो कर सकते, चाहे मुझे दंड दे, चाहे मुझे बंदी बना ले, चाहे मुझे देश निकाले, चाहे मुझे मरवा ले, लेकिन मैंने तो भगवान की पूजा की। तो राजा कहता है, तुम महापुरुष हो। और इतना प्रसन्न हुआ राजा कि सारी 8-8 चीजें उस सुमन माली को दे दिया, 8 सुंदर हाथी, 8 सुंदर घोड़े, 8 सुंदर स्त्रियां, 8 गांव, ऐसे सारी 8-8 में, और 8,000 कारशापन, इस तरह वो उस सुमन माली को दे दिया। फिर शाम होते होते धर्मसभा में ये चर्चा चली भिक्षुओं में, अरे देखो। और फिर आनंद भी देखता है कि आज बड़े हर्षनाद हो रहा है और ये सिंह गर्जना हो रही है, इसका क्या कारण है, सुमन माली का क्या कर्म है, ऐसा वो सोचता है। अब भिक्षुओं में भी ये चर्चा चली, देखो सुमन माली ने शास्ता की पूजा की और उसे सारी चीजें 8-8 प्राप्त हो गई। तब ऐसे चर्चा हो ही रही थी तो भगवान बीच में आके बैठ गए अपने आसन पर और कहने लगे, भिक्षु क्या बातें हो रही? तो भिक्षु ने सारी बातें बतलाई, भंते हम ये सोच रहे थे कि ये सुमन माली का कौन सा कर्म विपाक है कि ये आज हर्षनाद हो रहा है और ये सिंह गर्जना हो रही है। तो भगवान कहते, वो सुमन माली
ने केवल फूल का दान नहीं किया बोले, बल्कि तथागत के लिए उसने पूरा जीवन न्यौछार कर दिया। तो ये कोई सामान्य बात नहीं थी। और फिर भगवान ने ये गाथा कही, कपानं सतसहसं दुर्गतिं न गमिष्यति तत्त्वा देव मनुष्येषु फलं एतस्य कम्मुनो पच्चापच्येक संबुद्धो सुमनो नाम भविष्यति। कपानं सतसहसं दुर्गतिं न गमिष्यति तत्त्वा देव मनुष्येषु फलं एतस्य कम्मुनो पच्चापच्येक संबुद्धो सुमनो नाम भविष्यति। कपानं सतसहस्रं, सतसहस्रं मतलब 1,00,000 कल्प तक दुर्गति न गमिष्यति, वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होगा। 1,00,000 कल्प तक दुर्गति को यानी नरक लोक में प्राप्त नहीं होगा, वो दुर्गति में नहीं जाएगा। ठत्वा देव मनुष्यान, देवता और मनुष्य लोक, देवलोक मनुष्य लोक में वो जन्म ग्रहण करते रहेगा। पच्चा पच्चेक संबुद्धो, और फिर सुमन नाम का वो प्रत्येक बुद्ध के रूप में भविष्य में उत्पन्न होगा। ये उसका कर्म का फल है। 1,00,000 कल्प तक वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होगा। देवलोक मनुष्य लोक, देवलोक मनुष्य लोक में जन्म ग्रहण करता हुआ फिर वो सुमन नाम का प्रत्येक बुद्ध के रूप में उत्पन्न होगा। भिक्षु ने कहा कि धनते केवल एक फूल अर्पित करने का ये फल है। तो भगवान ने बताया कि उसने अपने जीवन की अपेक्षा न कर मेरी पूजा की है और इस तरह अपने चित्त में मेरे प्रति श्रद्धा उत्पन्न की है, इसके कारण ये उसका फल है। और फिर भगवान ने ये गाथा कही कि ऐसे ही कर्म करना चाहिए कि जिसका पश्चाताप न हो। तो भगवान ने ये धम्मपद की 68 नंबर की गाथा बोली। तचं कम्मं कतं साधु यं कत्वा नानुतपति यस्स पतितो सुमनो विपाकं पटिसेवति। तचं कम्मं कतं साधु यं कत्वा नानुतपति यस्स पतितो सुमनो विपाकं पटिसेवति। किया हुआ वही कार्य अच्छा होता है जिसके करके मनुष्य बाद में संताप न हो, पश्चाताप न हो, और जिसके परिणाम को बड़े प्रसन्नता पूर्वक सुख पूर्वक भोगा जा सके। ये गाथा कही और देशना के अंत में 84,000 प्राणियों को धर्माभिसमय उद्भूत हुआ। यानी भगवान को एक गाथा बोलते थे, 1,84,000 1,00,000 लोग को धर्म संवेग जाग जाता था। इस तरह ये दो गाथाएं हुई। इसके पश्चात हम तीसरी गाथा लेंगे। ये श्रावस्ती की बात है। श्रावस्ती की बात है कि दो मित्र थे और उन्होंने सोचा कि धर्म श्रवण करने जाया जाए। वे दोनों आए, उसमें से
पहला जो मित्र था बड़े ध्यान से भगवान की वाणी सुनने लगा और सुनते सुनते श्रोतापन्न हो गया। श्रोतापन्न हुआ जो दूसरा था, उसने सोचा कि वो कहीं देख रहा था कि कहीं किसी की गांठ में कहीं क्या चुराया जा सकता है, वो ढूंढने लगा किसी के कपड़े में, किसी के पोटली में कहीं कुछ रखा है। ऐसा करते करते वो ऐसा हुआ कि एक किसी के कपड़े में 5 मासा केवल सोना ही पा गया और उसने चोरी कर ली। और फिर दूसरे दिन जिसने चोरी की, दूसरा जो व्यक्ति था, मित्र था, उसके घर में बढ़िया बढ़िया पकवान बने, बढ़िया बढ़िया भोजन मिला। और जो पहला व्यक्ति था वो बड़ी मुश्किल से साग सब्जी भी इकट्ठा कर पाया और साधारण ही भोजन बन पाया। तो जो दूसरा था जिसने चोरी की, वो अपने पत्नी सहित पहले के यहाँ आके उसका परिहास और उपहास करने लगा। बोले, तुम अपने आप को बुद्धिमान समझते हो और ढंग का एक दिन का भोजन भी नहीं जुटा पाया, ऐसा वो बोलता है। तो पहला व्यक्ति जो श्रोतापन्न हुआ वो सोचता है ये व्यक्ति मूर्ख है, यानी मूर्ख होते हुए भी अपने आप को समझ रहा है कि मैं पंडित हूँ, ज्ञानी हूँ। फिर सायंकाल होती है, साय के समय वो पहला मित्र और दूसरा और दो चार उसके साथी सभी भगवान के पास आते हैं और कहते हैं और अपने जो दिन भर चर्चा हुई, आप बीती हुई, वो भगवान को सुनाई। तब भगवान ने वो गाथा कही, यो बालो मैयति बाल्यं पंडितो वापिते नसो बालोच पंडित मानी सवे बालो ते उच्चति यो बालो मैयति बाल्यं पंडितो वापिते नसो बालोच पंडित मानी सवे बालो तिवुच्चति यो बालो मैयति बाल्यं। जो कोई मूर्ख होता है वो जानता है कि मैं मूर्ख हूं, तो भगवान कहते हैं वो उस मायने में कम से कम पंडित है, क्योंकि वो बाल है, मूर्ख है, जानता नहीं है, बहुश्रुत नहीं है। तो पंडित के पास जाएगा, उनसे पूछेगा और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर वो स्वयं एक दिन पंडित हो जाएगा। तो मूर्ख होते हुए भी वो समझ जाएगा, वो जानता है कि मैं मूर्ख हूँ, तो उस मायने में वो पंडित है। किंतु कोई मूर्ख है लेकिन स्वयं को पंडित है, मैं ऐसा मानता है, तो समझ लीजिए वो वस्तुतः मूर्ख है। कोई कैसा होता है मूर्ख? वो मूर्ख है तब भी वो समझता है कि मैं बहुश्रुत हूं, धर्म कथिक हूं, विनयधर हूं, धूतांग पालक हूं, ऐसा मूर्ख समझता है, तो वो वस्तुतः मूर्ख है। लेकिन अपने आप को समझता है कि मैं पंडित हूँ। मूर्ख होते भी जो व्यक्ति समझता है कि मैं पंडित हूँ, वही सही मायने में मूर्ख है। और यदि वो मूर्ख है और वो जानता है कि मैं मूर्ख हूँ, तो पंडित पुरुष के पास जाएगा, सेवा करेगा, शुश्रूषा करेगा और भविष्य में वो पंडित बन जाएगा। तो इस तरह ये गाथा होती है। और जब ये भगवान ने देशना दी तो वो जो दूसरा जो चोर साथी था वो भी श्रोतापन्न हो जाता है। इसके बाद ये 64 नंबर की गाथा लेंगे। ये धम्मदेशना शास्ता ने जेतवन में विराजमान रहते हुए उदाई स्थविर को कही।
वो उदय स्थबिर क्या करता था कि जब बड़े बड़े स्थबिर लोग धर्म का उपदेश करते थे और धर्म सभा समाप्त हो जाती थी और सारे लोग उठ के चले जाते थे, तो वो धर्मासन पर बैठकर बैठा रहता था। तो जो नए भिक्षु आते थे वो सोचते थे अरे जरूर कोई बहुत बड़ा स्थविर होगा, ऐसा सोचते थे। तो एक दिन उन्होंने प्रश्न पूछ लिया वो उदय को, क्या प्रश्न पूछ लिया, ये स्कंद यानी क्या होता है, आयतन यानी क्या होता है, धातु यानी क्या होते हैं, और उसका वो उत्तर नहीं दे सका। तो भिक्षु ने समझ लिया है ये अपने आप को सोचता है कि है, लेकिन ये तो मूर्ख है। पुनः वो भगवान के पास लेके गए उदय स्थविर को, भिक्षु लोग उदय स्थविर को भगवान के पास लेके गए और उसकी निंदा करी और ये घटना समस्त सुना दी। तब भगवान ने ये गाथा बोली, याव जीवं पीचे बालो पंडितं पैरुपासति न सोधम्मं विजानाति दब्बी सुपरसंयथा। याव जीवं पिचे बालो पंडितं पैरुपासति न सोधम्मं विजानाति दब्बीसु परसंयथा। याव जीवं पिचे बालो, यदि कोई मूर्ख जीवन पर्यंत पंडित के साथ संगति करे, न सो धम्मं विजानाति, लेकिन वो धर्म के विषय में वैसे ही कुछ नहीं जान सकता, दब्बीसु परसंयथा, जैसे कोई चम्मच होता है उसको कड़छी बोलते हैं, सूप में पड़ी हुई कड़छी सूप के अनुपम रस को नहीं जान पाती। तो जैसे वो चम्मच होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार के रसों को नहीं जानता कि ये तीखा है, खारा है, अम्ला है, नमकीन है, स्वाद, तो वो नहीं जान सकता। वो सूप में रस को नहीं जान सकता। तो इसी तरह यदि कोई मूर्ख मनुष्य जीवन पर्यंत किसी पंडित पुरुष के साथ रहे तो भी वो धर्म के विषय में कुछ नहीं जान सकता, क्योंकि वो मूर्ख है। जैसे सूप में पड़ी हुई कड़छी सूप के अनुपम रस को नहीं जान पाती। वह मूर्ख है जो जीवन पर्यंत पंडित के साथ रहता हुआ भी, उसकी सेवा करता हुआ भी यह नहीं जान पाता कि ये बुद्ध वचन है, इतना बुद्ध वचन है, यह धर्म श्रवण है, यह चार है, ये विहार है, ये आचार है, ये गोचर है, ये सदोष है, ये निर्दोष है, ये सेवनीय है, ये असेवनीय है, इतना धर्म श्रवण करना है, धर्म का ज्ञान, ये कुछ भी नहीं जानता। जैसे काष्ठ निर्मित कड़छुल, जब तक वो नाना प्रकार के सूप को लिपटी रहती हुए भी नहीं जान सकते, इसी तरह ये मूर्ख व्यक्ति जीवन पर्यंत रहकर उपासना करके भी उक्त प्रकार के धर्मों को नहीं जान पाता। और भगवान ने ये गाथा बोली और जो भिक्षुगण आए थे वो सारे के सारे अहरंत हो गए। इस तरह हमने ये चार गाथाएं ली हैं। एक और ले लेते हैं, ये धम्मदेशना
राजग्रह की घटना है। राजग्रह में पिप्पली गुफा में महाकाश्यप स्थविर रहते थे और उनके दो सहायक थे, दो भिक्षु। वे दोनों के दोनों उनकी सेवा में लगे रहते थे, लेकिन उसमें से एक केवल अच्छे ढंग से सेवा करता था और दूसरा कुछ भी नहीं करता था। बल्कि जो पहला जो कोई काम करता था तो वो दूसरा व्यक्ति आके कहता था कि ये काम मैंने ही किया। जैसे पहला वाला सहायक भंते महाकाश्यप के लिए पानी लाके देता था, दतून लाके देता था, तो ये दूसरा आके बोलता, भंते पानी आ गया है, दतून आ गए है, आप कृत्य कर ले। फिर इसी तरह उनके नहाने के लिए पहला व्यक्ति गर्म जल रखता था तो दूसरा आके कहता था, भंते पानी गर्म हो गया है, आप नहाए। पहला व्यक्ति सोचता है ये तो कुछ करता नहीं है और खाली मैं जो करता हूँ उसको बोलता है कि ये मेरा किया हुआ है, चलो इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। फिर वो क्या करता है, एक दिन पहला व्यक्ति कि पानी गर्म जो हंडा रहता है, पानी गर्म करने का हंडा, उसमें थोड़ा सा ही पानी रखता है और जो गर्म पानी छुपा के रख देता है और आग जला लेता है। अब थोड़ा सा ही पानी होने के कारण क्या होता है कि भाप निकलती है, दूसरे व्यक्ति ने देख लिया तो वो जाके भंते महाकाश्यप को कहता है, भंते पानी गर्म हो गया है, आप नहा ले। तो फिर वो नहाने के लिए निकलते हैं और देखते हैं कि वहां पानी तो रहता ही नहीं, क्योंकि वहां भाप बन के थोड़ा सा ही रहता है। तो महाकाश्यप बोलते हैं, अरे महाकाश्यप को ये सारी बातें समझ में आ गई कि एक सारा काम तो पहला व्यक्ति करता है, दूसरा केवल अपना बताता है कि मैं कर रहा हूं, और उसको डांटते हैं कि तुम जो कर रहे हो ये अनुचित है। तो दूसरा जो व्यक्ति रहता है भिक्षु, वो सोचता है, अब भंते आप ये थोड़े से जल के लिए हमको डांट रहे हैं, इस तरह से वो बोलता है। इसके बाद एक दिन जो दूसरा सहायक रहता है, जहाँ भंते महास्थवीर के उपासक लोग रहते हैं, उनके यहाँ जाता है, भिक्षा मांगता है। उपासकों ने पूछा, हमारे स्थवीर कैसे हैं? तो वो बोलता है, स्थवीर तो आज बीमार है, तो उन्होंने कहा किसी चीज की आवश्यकता हो तो बढ़िया बढ़िया भोजन मांगता है और रास्ते में खा लेता है। फिर किसी दिन, दूसरे तीसरे दिन भंते महाकाश्यप भिक्षाटन के लिए जाते तो लोग पूछते हैं, भंते आप स्वस्थ तो है ना? तो उसको लगा कि मैं तो स्वस्थ ही हूँ, ये क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, आपका जो दूसरा सहायक था वो कह रहा था एक दिन पहले कि आप अस्वस्थ हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन लेके गया। फिर भंते महाकाश्यप उसको समझाते हैं कि मांगकर खाना अनुचित ही है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो बड़ा गुस्सा हुआ, अरे भंते वो उतना से थोड़े से पानी के लिए आपने हमको डांट लगा दी और ये थोड़े से भात के लिए आपने हमको डांट लगा दी, ऐसा वो वैर बांधता है। और वैर बांधने के कारण जब भंते महास्थवीर बाहर जाते हैं तो वो क्या करता है कि पूरे वहाँ जो घास फूस की झोपड़ी थी उसको तहस नहस करता है, तोड़ फोड़ देता है सारा सामान और आग लगा के निकल जाता है। आग लगा के निकल जाता है, फिर वो थोड़ी देर पश्चात मर जाता है और फिर अविची नरक में चला जाता है। फिर राजग्रह से कोई एक भिक्षु श्रावस्ती आ रहा था। श्रावस्ती आने के बाद भगवान के दर्शन किया। भगवान के दर्शन करने के पश्चात भगवान पूछते हैं, क्यों हमारे शिष्य महास्थवीर का क्या हाल है? तब वो भिक्षु कहता है, और जो घटना हो गई सारी की सारी घटना बता दी। घटना बताने के पश्चात भगवान ने ये गाथा बोली, चरंचे नाधि गच्चेयो सेयं सदी समतनो
एक चरियंदड़ हंकैरा नथी बाले सहायता चरं च नाधिगच्छेय सेयं सदि समतनु एक चरियं दळ हंकैरा नथी बाले सहायता चरं च नाधिगच्छेय सेयं सदि समतनु। यदि सत्पथ पर सन्मार्ग पर चलना है, चलते हैं तो मनुष्य को अपने जैसा या अपने से श्रेष्ठ यदि कोई साथी न मिले तो दृढ़ता पूर्वक अकेले ही चलना चाहिए, परंतु किसी भी मूर्ख का साथ नहीं पकड़ना चाहिए। सन्मार्ग पर चल रहे हैं, अपने कम से कम जैसा हो या अपने से श्रेष्ठ हो उसकी संगति करनी चाहिए, नहीं तो अकेले चलना ही श्रेष्ठ है, किंतु मूर्खों की संगति नहीं होनी चाहिए। भगवान ने कहा कि ये जो मूर्ख है, जो साथी था, वो अभी नहीं, इसके पूर्व भी वो यही काम करता था। इस तरह भगवान ने उसकी पूर्व जन्म की घटना बताई कि एक समय में हिमालय पर्वत पर सिंगिल नाम का एक पक्षी रहता था और अपने घोंसले में रहता था, और फिर बहुत एक बार वर्षा हुई और एक बंदर आया और वो भीगते हुए ठंड से कांपते हुए उसके पास आया। तब वो सिंगल पक्षी कहता है, अरे तुमको तो मनुष्य जैसा सिर है, हाथ भी है, पैर भी है, तो तुम अपना निवास क्यों नहीं बना लेते? तो बंदर कहता है कि मेरे पास तो मनुष्य जैसा सिर है, हाथ है, पैर है, लेकिन जो मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए जो प्रज्ञा की आवश्यकता होती है वह मेरे पास नहीं है। तब वो सिंगल पक्षी कहता है कि जिसका चित्त भ्रांत है, लघु चित्त है, क्षुद्र विचार वाला है, मित्र द्रोही है और नित्य अपना निश्चय इधर उधर करते रहता है, उसको कभी सुख नहीं मिल सकता। जिसका चित्त भ्रांत होता है, जिसका चित्त क्षुद्र विचार वाला होता है, मित्र द्रोही होता है और नित्य अपना निश्चय इधर उधर करने वाला होता है, उसको कभी सुख नहीं मिलता। तो वो वानर सोचता है कि इसने मुझे भ्रांत कहा, लघु विचार वाला कहा, मित्र द्रोही कहा, अब मैं बताता हूँ बोले। तो वो वानर क्या करता है, वो सिंगल पक्षी का घोंसला तोड़ देता है, लेकिन उतने में ही वो उसके पहले ही सिंगल पक्षी वहाँ से उड़ जाता है। और भगवान ने ये जातक का मेल मिलाया और कहा कि ये जो सिंगल पक्षी था वो उस समय के महाकाश्यप थे और ये जो वानर था इस समय का ये भिक्षु था। और फिर ये गाथा कही जो अभी हमने बोली, चरं चे नाधिगच्छेय सेयं सदि समतनु एक चरियं दळ हंकैरा नथि बाले सहायता। यदि सत्पत्तर चलते हुए मनुष्य को अपने सदृश या अपने से श्रेष्ठ साथी न मिले तो दृढ़ता के साथ अकेले ही चलना चाहिए, लेकिन मूर्खों की संगति नहीं पकड़ना चाहिए। इस तरह आज की हमारी गाथा पूर्ण हो गई। किसी का कोई संबंधित प्रश्न हो तो चर्चा करेंगे। हाँ जी, हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही।
हेलो। हाँ हेलो, गुरुजी उमाशंकर, हाँ बोलिए। गुरुजी पहला प्रश्न तो उस दिन की गाथा का है जिसमें भंते जो है वो सर्प योनि में जाता है, उस दिन का आंसर कंप्लीट नहीं हो पाया था, कौन सी गाथा? अच्छा जिसमें वो नाव के हाँ वो उसका उत्तर कंप्लीट नहीं हुआ था कि हम जैसे कि अगर 20,000 वर्षों तक वो मतलब विपश्यना कर रहे थे भंते, अंतिम समय पे उन्हें अपने उस कर्म की याद आती है और वो चले जाते हैं, तो हम भी वैसे विपश्यना कर ही रहे हैं मतलब, पर ऐसा हो जाए कि हमारे अंतिम समय में ऐसा हो कि हमको भी ऐसा कोई कर्म याद आ जाए, तो इससे कैसे बचा जा सकता है, मतलब कि ऐसे बचा भी जा सकता है या नहीं जा सकता है? नहीं, वो ये केवल 1% के लिए ऐसा होता है। यदि वो भिक्षु यदि किसी बड़े के पास वो अपने कर्मों को स्वीकार करता तो वो ऐसा नहीं होता, दुर्गति को नहीं जाता। लेकिन वो उसने किसी बड़े के पास जाके कि मुझसे ये भूल हो गई ऐसा उसने बोला नहीं, इसलिए वो कर्म याद आ गया। अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता था कि वो दुर्गति में चला जाए। तो कोई चीज ऐसी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो इसलिए किसी के पास जाके बोलना पड़ता है कि मुझसे ये भूल हो गई, अन्यथा दुर्गति में जाने का कोई कारण नहीं। क्योंकि भगवान की जो वाणी है, आपने देखा होगा महासमय सूक्त में, उसमें लिखा है, एके चिबुद्धं शरणं गता से नते गमिष्यन्ति अपाय भूमि अहाय मानुषं देहं देवकाय परिपूरे सन्ति। एकेचि बुद्धं शरणं गतासे, जो बुद्ध की शरण चले गए, नते गमिष्यन्ति अपाय भूमि, वे दुर्गति को नहीं जाएंगे। पहाय मानुषं देहं, जब हम ये शरीर छोड़ेंगे तो देव काय परिपूरे संति, तो देवलोक में उत्पन्न होंगे, इतनी गारंटी है, बशर्ते कि वो कर्म को स्वीकार भर करना होता। ठीक है गुरु जी, थैंक यू। गुरु जी आज की एक गाथा पे प्रश्न था कि हमें अपने समान मतलब बुद्धि वाले व्यक्ति के साथ ही मतलब संगति करना चाहिए, या फिर अगर विवाह की दृष्टि से देखें तो वो भी मेरे ख्याल से काफी कुछ सही है, तो कैसे किसी को मतलब अरेंज मैरिज है तो फिर सामने वाले को कैसे नापा जाए? नहीं, अपने समान तो समझ में आ जाता है, मेरे जैसा है या मेरे से श्रेष्ठ, वो देखना कि वो मेरे से शील में, समाधि में, प्रज्ञा में है, तो अपने आप वो श्रेष्ठ है। भाई मैं इसमें कमजोर हूँ, मैं समाधि में कमजोर हूँ, प्रज्ञा में कमजोर हूँ, दान में, तो वो तो समझ में आ जाता है ना कि ये हमसे श्रेष्ठ है, उसकी संगति करना चाहिए। ओके, मतलब शील समाधि प्रज्ञा के आधार पर हाँ, हम, वो बड़ा हो जाएगा, न कि उम्र से। हाँ, मापदंड ये होना चाहिए। ठीक है गुरु जी, थैंक यू। सर, हाँ जी। मेरा प्रश्न वही सिमिलर बेसिस पे था, अगर पता भी चले कि हमसे ये श्रेष्ठ है या हमारे जैसा है, लेकिन ये कैसे पता चले कि उसको हम पसंद आएंगे और हमसे वो मित्रता करेंगे, वो आवश्यक नहीं है। तो फिर उसके ऊपर हम बोझ बनेंगे, ऐसा उसका टाइम बिल्कुल वेस्ट करेंगे? नहीं, ऐसा कोई कतई नहीं, बल्कि ज्ञानी लोग ऐसा कभी फील ही नहीं करेगा, बोझ बन गए वगैरह ऐसा कभी होगा ही नहीं। बल्कि वो चाहेगा, मूर्ख जैसे कोई शराब पीता है वो चाहता है कि मेरे जैसे सब लोग शराबी हो जाए, वैसे ही वो ज्ञानी व्यक्ति चाहता है कि मेरे जैसे सारे लोग ज्ञानी हो जाए, ऐसा वो सभी चाहता है। तो वो संभव ही नहीं है कि वो बोझ टाइप बना रहेगा या फील करेगा, ऐसा कभी नहीं होता। हम कैसे गिल्टी फीलिंग से बाहर आए कि हम उसका टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे हैं ना, उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे बड़े बड़े काम होते हैं, तो
हम अगर एक प्रश्न पूछेंगे तो उसका 10 मिनट चला जाएगा ऐसा। नहीं नहीं उसमें गिल्टी फील करने की बात नहीं, एक गाथा तो भगवान कितनी बार भी रिपीट कर लेते थे, तो धर्म की बात है वो 2 बार 4 बार भी पूछ सकता है बता सकता है, तो गिल्टी फील करने का कोई ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सर। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी ये पूछना था कि यदि क्या फल की कामना के साथ किसी को दान करना चाहिए या किसी जरूरतमंद को ऐसा लगा इसको जरूरत है और दे दिया, मन में उस टाइम कोई भाव आना नहीं आया कि देने की इच्छा हुई दे दिया, या किसी भी धर्म स्थान पे केंद्र पे उस टाइम इच्छा हुई कि दान देना चाहिए अपने को दे दिया, पर क्या उस देते टाइम भी भाव होना चाहिए क्या मन में, तो क्या उसके फल की कामना से ही दान देना चाहिए? नहीं, केवल एक ही कामना करना चाहिए कि ये जो मैं दान कर रहा हूँ उससे केवल हमको निर्वाण प्राप्त हो, यही कामना करनी चाहिए तो वो श्रेष्ठ है। बाकी सांसारिकता की कामना नहीं करनी चाहिए कि मैं अमुक बनूं या मुझे ये पद चाहिए, इसके लिए दान नहीं करना चाहिए। केवल इसी एक उद्देश्य से उद्देश्य को लेकर दान करना चाहिए कि इस दान और पुण्य कर्म से मुझे निर्वाण का साक्षात्कार हो, तो उसमें कोई गलत नहीं। तो मतलब वो भी गुरु जी एक प्रकार से इच्छा ही हो, कामना ही हो गई हो? ये कामना नहीं है भाई, ऐसा है कि इच्छा तो करनी पड़ती है, तृष्णा अलग होती है इच्छा अलग होती है, हम तृष्णा नहीं कर रहे हैं। निर्वाण को प्राप्त हो, निर्वाण। चले समापन करें, आज दूसरी गाथना समापन करते हैं। समापन करते हैं। यं दुन्निमित्तं अमंगलं च योचामनापो सकुनस सद्दु पापकहो दुःसुपीनं अकंतं बुद्धानुभावेन विनाशमिन्तु। यं दुन्निमित्तं अमंगलं च योचामनापो सकुनस सद्दु पापकहो दुःसुपीनं अकंतं धम्मानुभावेन विनाशमिन्तु। यं दुन्निमित्तं अमंगलं च योचामनापो सकुनस सद्दु पापकहो दुःसुपीनं अकंतं संघानुभावेन विनाशमिन्तु। दुःखपत्ता च निदुःखा भयपत्ता च निभया शोकपत्ता च निशोका हन्तु सर्वे पिपाणिनो एतावता च अमिहि सर्वतं कुञ्ज सम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्ति सिद्धया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाधीरता हन्तु गच्छन्तु देवता गता सभे बुद्धा बलपत्ता पच्चकानं च यं बलं अहरन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वसु। यं किञ्चि वित्तं इदवाहुरं वा सर्गेषु वायं रत्नं पणितं ननो समं अति तथागतेन इदं ति बुद्धे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुवर्ति हन्तु। यं किञ्चि वित्तं इदवाहुरं वा सर्गेषु वायं रत्नं पणितं ननु समं अति तथागतेन इदं ति धम्मे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुवर्ति हन्तु। यं किञ्चि वित्तं इदवाहुरं वा सर्गेषु वायं रत्नं पणितं ननु समं अति तथागतेन इदं ति संघे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुवर्ति हन्तु। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। महाकारुणिको नाथो हिताय सर्वपाणिनं पूरयित्वा पारमी सर्वापत्तो सम्बोधिमुत्तमं एतेन सच्च वज्जेन सोतिते होतु सर्वदा।
जयंतु बोधिया मूले सख्यानंदि वर्धनु एवमेव जयो होतु जयस्तु जय मंगलं अपराजित पल्लंके शीशे पूतु विपुक्कले अभिषेके सर्वबुद्धानं अगपतोपमोदति सुनक्खतं सुमंगलं सुप्रभातं सुहुट्ठितं सुखणो सुमुहूर्तो च सुइट्ठं ब्रह्मचारिषु पदक्षिणं कायकम्मं वाचकम्मं पदक्षिणं पदक्षिणं मनोकम्मं पदक्षिणानि कत्वान् लभन्ते ते पदक्षिणे ते अत्त लद्दा सुखिता विरुला बुद्ध शासने अरोगा सुखिता होत स सर्वे ही ज्ञाति भी चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं साधु साधु साधु। ये चार्ट तो अजून 5 दिसून